गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके ग्रामर की बुक का पेज नंबर 36 का धातु रूप। ये धातु रूप मैंने आपको पहले भी समझाए थे, एक बार फिर से बता रही हूँ, फिर से आपको इसको याद करना है। और इसके पहले भी मैंने खाद का धातु रूप बना भेजा था और एक और कोई अस धातु भेजा था, लिख धातु भेजे थे। ये सब आप लोगों को याद करने हैं, सारे धातु रूप आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए, और धातु रूप के तीनों तीनों रूप याद करोगे, लट लकार, लंग लकार, रिट लकार, ये सारे रूप आपको याद करने हैं। और ये धातु रूप आपको मैंने कैसे बनाने हैं इसके रूल भी आपको पहले भेजे थे, ती त अंति सी थ थ मी व म, ये सारे रूल यदि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे तो आपको कोई से भी धातु शब्द दिए जाए आपको आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे गम, गम मीन्स क्या होता है, जाना। गम गच्छ मीन्स क्या हो जाएगा, जाना। इसका लट लकार क्या हो जाएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। ती तह अंति लगा हुआ है, देखिए तो क्या हो जाएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। फिर मध्यम पुरुष है, गच्छसि गच्छतः गच्छत। उत्तम पुरुष, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इसके बाद है लंग लकार। लंग लकार के लिए क्या लगेगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, त ताम न। इसका रूल क्या है लंग लकार का, त ताम न अह तम त और अम्ब म, तो क्या हो जाएगा, अगच्छत अगच्छताम और अगच्छन। फिर अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। जैसा कि आपको बताया था कि लंग लकार में क्या होता है कि जो हमारा रूल होता है, त ताम न, लंग लकार का रूल क्या है, रूप क्या है हमारा, त ताम न, उस रूल के सामने, उस रूप के सामने हमको क्या लगाना होता है, इसकी क्या शर्त होती है। लंग लकार में जो हमको धातु दिए गए थे या जो शब्द दिया गया होता है, जैसे हम अभी गम का पढ़ रहे हैं, तो उस धातु के सामने हमको क्या लगाना होता है, अ लगाना होता है, ठीक है ना। जो भी जैसे लिख दिया है तो लिख के सामने क्या हो जाएगा, अलिखत हो जाएगा। तो ताम न लगाया हमने, लिख हमारी धातु है ये, और हमने क्या लगा दिया, उसके आगे अ लगा दिया। इसी प्रकार से हमने गच्छ का किया है, देखो गम धातु है, ब्रैकेट में गच्छ भी दिया गया है, तो लंग लकार में गच्छ, गच्छ के सामने हमने क्या लिया, लगा दिया अ। क्यों लगाया, क्योंकि ये हम लंग लकार में बना रहे हैं, तो लंग लकार का रूप क्या होता है, त ताम न, त ताम न रूल लगाया, सामने अ लगाया और बीच में हमारा शब्द हो गया गच्छ, ठीक है ना, जो भी हमारा रूल है। तो अब क्या हो जाएगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। देखिए इसको एक बार फिर से बता रही हूँ, जो हमारा रूल होता है त ताम न, ठीक है ना, इसको हम पीछे लगाते हैं, सबको पता है। इसके बाद जो हमको धातु भी दी गई है या जो शब्द दिया गया है वो हम लिखते हैं, और उसके सामने हमको क्या लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। जैसे हम देखो गच्छ, गच्छ जो है बीच में आ गया और अ क्या हो गया, सामने आ गया। लंग लकार में हम सामने लगाते हैं अ, और पीछे क्या लगा देते हैं, उसके सारे रूल लगा देते हैं त ताम न के, ठीक है। फिर है लट लकार। लट लकार का रूल क्या है हमारा, शति शतः शन्ति, शशि शतः शत, श्यामि श्यावः श्यामः। तो इससे क्या हो जाएगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं, गम गच्छ का क्या हो जाएगा, जाना। तो लट लकार, लट लकार क्या है इसका, प्रथम पुरुष, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। मध्यम पुरुष हो जाएगा, गच्छसि गच्छतः गच्छत। उत्तम पुरुष, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इसके बाद है लंग लकार, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। फिर लट लकार का गमिष्यति, प्रथम पुरुष इसका होगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए
आपको 1 से लेकर 15 तक काउंटिंग बताई गई थी पहले भी, है ना। 1 से लेकर काउंटिंग बताई थी ना, उसी काउंटिंग को अब हम करेंगे 60 तक, 60 तक, ठीक है ना। 60 तक पूरी हम काउंटिंग करेंगे। देखिए, एक एक मीन्स क्या होता है, एक। द्वौ मीन्स दो, त्रय तीन, चत्वार चार, पंच पाँच, षट छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दस दस। फिर है एकादश ग्यारह, द्वादश बारह, त्रयोदश तेरह, चतुर्दश चौदह, पंचदश पंद्रह, षोडश सोलह, सप्तदश सत्रह, अष्टादश अठारह, नवदश उन्नीस। उन्नीस को हम एकोनविंशति भी कहते हैं, एकोनविंशति भी कहते हैं या उनविंशति भी कहते हैं, तीनों नेम हो सकते हैं इसको, इसके नवदश, एकोनविंशति और उनविंशति हैं। उसके बाद 20 को हम कहेंगे विंशति है। फिर है एक विंशति है 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, फिर त्रिंशत्। फिर एक त्रिंशत 31, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, पंचत्रिंशत 35, षट्त्रिंशत 36, सप्तत्रिंशत 37, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39 और चत्वारिंशत 40। फिर एक चत्वारिंशत 41, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, पंचचत्वारिंशत 45, षट्चत्वारिंशत 46, सप्तचत्वारिंशत 47, अष्टचत्वारिंशत 48, नवचत्वारिंशत 39, पंचाशत 50। फिर 51 को देखिए क्या कहेंगे, एक पंचाशत। अब देखो 50 तक तो मैंने समझाई थी, अब 50 के बाद देखिए पंचाशत। पंचाशत में देखिए लास्ट क्या है, पंचाशत लिखा हुआ है इसके सामने। अब हम क्या लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 का नेम लिखते चलेंगे। देखो पंचाशत तो क्या हो जाएगा, एक पंचाशत, द्वा पंचाशत, तीन है तो त्रय पंचाशत, चतुष पंचाशत, फिर पंच पंचाशत तो हम क्या कहेंगे, 55, षट पंचाशत तो क्या कहेंगे, 56, सप्त पंचाशत 57, अष्टा पंचाशत 58, नव पंचाशत 59 और षष्ठी 60। ठीक है, अब इसमें हमको एक ध्यान रखना है, आप लोगों ने अभी जो टेस्ट हुए थे, पेपर हुए थे, उसमें क्या गलती की है कि जैसे एक विंशति लिखा है तो इसकी बिंदियों की तरफ आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जो छोटी ई की मात्रा लगी है, एक विंशति, मान लो आप एक विंशति लिख रहे हैं तो एक विंशति में जो छोटी ई की मात्रा लगाई है तो बिल्कुल उस मात्रा से चिपक के ही आपको अम की बिंदी लगानी है। आप बहुत दूर लगाते हो, श के ऊपर लगाते हो, तो श के ऊपर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगी, एक विंशति हो जाएगा वो, है ना। हमको क्या लिखना है, एक विंशति, तो एक विंशति व के ऊपर बिंदी आनी चाहिए, व की मात्रा के पास में बिंदी आनी चाहिए, है ना। तो एक विंशति, और जो विसर्ग भी लगाते हैं आप लोग बहुत दूर लगाते हैं तो वो त के पास में ही आपका विसर्ग लगना चाहिए, एक विंशति है। ठीक है, फिर से देखिए, एक विंशति में व, एक विंशति में ही नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी वह जो विंशति आप लिखोगे तो विंशति में जो छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा के पास में ही आपको अम की बिंदी लगानी है। जैसे त्रिंशत लिखते हो तो त्र, त्र की छोटी ई की मात्रा में ही आपको बिंदी लगानी है। तो इन बिंदियों का, इन छोटी छोटी गलतियों का आप बहुत ध्यान रखोगे, इस छोटी छोटी बिंदियों में और मात्राओं में ही आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो मात्राओं को आपको बहुत ध्यान से लगाना है और उसको
व की छोटी की मात्रा के पास में लगाना है और त के पास में लगाना है, दूर नहीं लगाओगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दिया जा रहा है होमवर्क। होमवर्क है आपका पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 प्रायोगिक अभ्यास लिखा हुआ है, देखना अपनी बुक आप। उसमें वद, वद मीन्स क्या होता है, बोलना। वद मीन्स बोलना, लट लकार, इसका हमको क्या करना है, लट लकार। लट लकार के रूप में इसको आपको पूरा फिल करना है। जैसे अवदत दिया है तो ये किस में लिख रहे हैं, त ताम न, रूल क्या होगा इसका, त ताम न, अम अह तम त, तो ये वाले रूल लगा करके आपको अवदत अवदताम ये सारे आपको लिखने हैं। तो वद, वद मीन्स बोलना, भू, भू मीन्स होना, ऐसा क्या करना है, लंग लकार, और रक्ष, रक्ष मीन्स रक्षा करना, ऐसा क्या करना है हमको, लेट लकार। ये आपका होमवर्क है, यह आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद एक आपको पीडीएफ भेजा जाएगा। पीडीएफ में आपको पहले से भी मैंने वो वर्क करवा चुकी हूँ, तो ये वर्क आपको अपनी कॉपी में लर्न लिखना है और लर्न करना है। जिनके पास बुक नहीं है वो अपने बुक में इसको कॉपी में आप इसको लिख लोगे और लर्न करोगे। देखो पेज नंबर 43, पेज नंबर 44, पेज नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 5, ये इनके सारे कम से कम चार या पांच पेजों की आपके पास में पीडीएफ आएगी। उस पीडीएफ को आपको अपने कॉपी में नोट करना है और याद करना है। ठीक है, ग्रामर का ही है ये, आइए ग्रामर में आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, और इसमें से आपके यूटी में भी आ सकता है और आपके जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें से भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको इधर भी पहले मैंने करवाया है, यही आप फिर से रिपीट याद करोगे। ओके ओके।